दोस्तों फाइनल चुके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर, तब से रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऐप के बारे में, जो कि आपको डिजिटल प्रोसेसिंग करना है और आप यहाँ पर मैक्सिमम लोन आप 1,00,000 रुपए ले सकते हैं, वो भी मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन के साथ, लो इंटरेस्ट रेट के साथ आपको लोन मिलेगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबल लोन रिपेमेंट करने का सुविधा मिल जाएगा 90 दिनों से 120 दिनों का समय। अभी एक्चुअल में दोस्तों RBI रजिस्टर्ड NBFC फर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है। सब कुछ बताऊंगा डिटेल्स में, किसको मिलेगा लोन, किसको नहीं मिलेगा लोन और आपकी क्या सिविल स्कोर यहाँ पर दोस्तों रहने वाली है। एक्चुअल में ये ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है क्योंकि RBI रजिस्टर्ड है और आप फ्री में क्रेडिट स्कोर यहाँ पर दोस्तों जनरेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अकाउंट साइन अप करना होगा, तो आप यहाँ पर अकाउंट साइन अप कर लीजिएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट करते हैं, आपको यहाँ पर KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होता है। दोस्तों एक्चुअल में आपको यहाँ पर प्रोसेस बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन कैसे काम करती है। उसके बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि आप जो भी काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या फिर सैलरीड प्रोफेशनल, दोनों कैटेगरी में कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ये काम करती है। अगर आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन है तो ही आप वो चूज करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि जब भी हमने यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताया है, वहाँ पर दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करने के बाद हमें रिजेक्शन ही देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन है तो आपको यहाँ पर सैलरी डिटेल और साथ ही साथ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको यहाँ पर दोस्तों वेरिफिकेशन करानी पड़ती है। जैसे ये सैलरी वेरिफिकेशन कराते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर रेसिडेंट वेरिफिकेशन करानी होगी आधार OTP के बेस पे, उसके बाद फाइनल आपको वेरिफिकेशन यहाँ पर दोस्तों मिलेगा। उसके बाद ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन आपके सामने आ जाता है। भैया किसी भी बैंक के साथ ऑटो सेटअप ई मैंडेट नैच प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये है कुछ डिस्पर्मेंट प्रोसेस भैया लोन लेने का तरीका, कैसे कैसे इनके साथ पड़ाव मिलेंगे आपको लोन अप्लाई करने वक्त। हालांकि इसके ऊपर दोस्तों मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। काफी लोग यहाँ पर दोस्तों समस्या ये आती है कि भैया एप्लीकेशन के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है वो तो समझ में आता है, लेकिन सिविल स्कोर क्या है जो हमारे रिजेक्ट हो जा रही है, सब कुछ सही रहने के बावजूद भी हमारी रिजेक्ट हो जा रही है। तो मैं आपको पहली बात बता दूं, ये पूरे भारत में एप्लीकेशन लोन नहीं प्रोवाइड कराती है और ना ही इन्होंने अभी तक डिक्लेयर किया है कि भैया कहाँ कहाँ लोन सर्विस प्रोवाइड करा रही है। दूसरी चीज की आप ऐसे समझ लीजिए कि 720 से ऊपर आपकी सिविल स्कोर होनी चाहिए, किसी तरह कोई सिविल में निगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं होना चाहिए, मैं आपको पहली बात बता दे रहा हूँ। और ना ही ज्यादा लोन इंक्वायरी आपकी अकाउंट में होनी चाहिए, ना ही 3 से 4 से ज्यादा आपका लोन अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आपको पहले समझना होगा, तभी जाके आप इनके एलिजिबिलिटी को पूरा कर पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे आपको लोन मिलता है तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा कि भैया आपको एक लाख का लोन मिला है, लोन IDF की यहाँ आ जाती है, आपका टोटल अमाउंट ड्यूज कितने हैं, EMI शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा और EMI डेट के साथ साथ कितने दिन के बाद आपकी तीसरी EMI, चौथी EMI आपके सामने आएंगी, वो चीज़ें यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो समझ लीजिए यहाँ पर 720 आपके कम से कम सिविल स्कोर होनी चाहिए। अगर ये एप्लीकेशन दोस्तों के साथ रेफर करते हैं तो 300 रुपये कैश, रियल कैश आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा, जिसे आप विदड्रॉल कर पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन के अंदर क्या चीज़ है मैं आपको ये भी बता दूँ, एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से ही लोन आपको यहाँ पर मिलेगा, इंस्टेंट पर्सनल लोन, यहाँ पर 1,00,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक NBFC फॉर्म के जरिए से लोन मिल रहा है, भविष्य में अगर आपको लोन मिलता है तो ऑन टाइम रिपेमेंट इनकी करिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों RBI रजिस्टर्ड है और NBFC फॉर्म का नाम है चीन में फिनलिस लिमिटेड, रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर दोस्तों बल्कि यहाँ पर मेंशन किया गया, तो इन्हीं की कंपनी है ऑफिशियली और एप्लीकेशन भी है जिनके जरिए से आप ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर बेनिफिट्स क्या है, फीचर तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है भैया, इंस्टेंट अप्रूवल मिलता है, फ्लेक्सिबल लोन रिपेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी EMI वाली सुविधा यहाँ पर मिल रही है, अच्छा खासा समय मिल जाएगा, 1,00,000 रुपये तक का लोन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, ट्रस्टेबल है, रिलायबल है, RBI रजिस्टर्ड है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, भैया यहाँ पर सारी चीज़ें डिजिटल प्रोसेस होने वाले हैं, कहीं भी बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में यहाँ पर 10,000 रुपये से स्टार्टअप होता है, 1,00,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं, अंडर 5 मिनट के अंदर में आपका सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। 91 दिनों से लेकर 120 दिनों का समय यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएगा लोन टर्म। यहाँ पर देख सकते हैं 100% पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ लोन आपको मिलता है, किसी तरह का लोन क्लोज अगर करते हैं तो कोई भी चार्जेस नहीं है, ना कोई गारंटर बनाने की जरूरत, ना किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन आपसे दोस्तों ये चार्ज करती है, अगर ये चार्ज करती है तो आपको पेमेंट नहीं करना है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर में। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या है, साल का लगभग 36% ब्याज चार्ज करने वाली है, प्रोसेसिंग फी प्लस अदर कोई भी एप्लीकेबल कोई फी लग रहा है तो यहाँ पर 6.5% से स्टार्ट होगा, वो भी आपके लोन अमाउंट से चार्ज करने वाली है,
तो भैया अलग अलग प्रोफाइल के ऊपर दोस्तों ये डिपेंड करेगा कितना चार्ज लगेगा। हालांकि चीज़ें यहाँ पर कुछ चीज़ें बता दी गई है, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज 1% और 200 रुपये यहाँ पर कन्वेंसिंग फी, ऑनलाइन चार्जेस, उसके बाद बाउंस चार्ज 500 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम 26% से लेकर मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज रेट जो है 60% यहाँ पर लिया जा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल है, स्टेबल इनकम का सोर्स है, ठीक है, आपकी उम्र 21 साल से ऊपर है, 20,000 रुपये प्रति मंथ आ रहे हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड है, तो आप यहाँ पर घर बैठे लोन ले सकते हैं। पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता दें, ये सिर्फ आधार पैन के बेस पे लोन प्रोवाइड कराती ही नहीं है, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। यहाँ पर आपके बैंक के स्टेटमेंट प्लस सैलरी स्लिप दोनों यहाँ पर दोस्तों चेक करते हैं। हो सकता है बैंक के स्टेटमेंट से आपका काम भी चल जाए और एम्प्लॉयमेंट डिटेल देते हैं, अगर आपका सही पाया जाता तो भी सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए आपके बैंक अकाउंट में आपका सैलरी क्रेडिट हुई दिखनी चाहिए, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई दिखनी चाहिए। आपको यहाँ पर मस्ट है कि आपको इनकम प्रूफ तो देना ही देना है। भले इन्होंने यहाँ पर दोस्तों बता रखा है आधार कार्ड पैन कार्ड के जरिए से आपको वेरिफिकेशन कराना है और बैंक अकाउंट में आपको लोन ले लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ डिटेल्स दोस्तों यहाँ पर देनी ही पड़ेगी, चीज़ें कुछ इस तरह से। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप इनके ऑफिशियल ईमेल की तरफ जा सकते हैं, दिए गए नंबर से आप बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा, यहाँ पर कम से कम समझिए कि 720 आपकी सिविल स्कोर होनी चाहिए और 2 से 3 अगर आपका लोन अकाउंट एक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, किसी तरह का सिविल में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, किसी तरह कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए सिविल में। तो कहने का मतलब है कि भैया साफ सुथरा आपका लोन अकाउंट होना चाहिए, तभी जाके इस तरह के एप्लीकेशन के ऊपर आप लोन ले पाएंगे। जस्ट लाइक नवी एप्लीकेशन चीन में क्रेडिट भी, इस तरह के जो एप्लीकेशन होते हैं साफ सुथरा सिविल स्कोर की क्रेडिट हिस्ट्री चाहते हैं, और अगर सब कुछ सही रहा तो आपको लोन भी मिल जाएगा इंस्टेंटली। दोस्तों यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट है या फिर नहीं, सबसे पहले यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो होता है उसे आपको ही पूरा यहाँ पर करना होता है। अगर आप इसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो कोई मतलब नहीं है आपको लोन लेने का, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर आप एलिजिबिलिटी पूरा नहीं करेंगे तो आप फाइनल स्टेज तक पहुँचेंगे नहीं और आपकी एप्लीकेशन डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगी। तो सिविल स्कोर जानना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पर होता है क्या है, सिविल स्कोर पता नहीं रहेगा, सिर्फ आप ये एलिजिबिलिटी पूरा करते हैं कि आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप है, चलो लोन के लिए अप्लाई कर दे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ आपका काफ़ी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है, मेजर किया जाता है, काफ़ी सारे सिविल फैक्टर होते हैं, उसी के आधार पर दोस्तों तय किया जाता है, तब जाके फाइनल अप्रूवल मिलता है किसी भी लोन अमाउंट का। RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म है, तो भैया सिविल जांच किए बिना आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो बिना सिविल का आपको तो लोन देने से कतराएगी ही ना। अब बिना अगर मान के चलिए सिविल स्कोर आपका ठीक ठाक नहीं रहा तो आपको लोन नहीं मिलेगा, मैं आपको पहली बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बताते नहीं है। तो इस चैनल के ऊपर दोस्तों वही जानकारी दी जाती है जो रियल जानकारी है, जो चीज़ें मैं फेस करता हूँ, जो चीज़ मैं अनुभव कर रहा हूँ, वही चीज़ें दोस्तों आपको बताता हूँ इस पे। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।